नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू गुजरात खेडूत यूट्यूब चैनल में। आ वीडियो में अपने हवामान विभाग द्वारा, अंबालाल पटेल द्वारा अने परेश गोस्वामी द्वारा वरसाद अने वावाझोड़ानी आगाही करवामां आवी छे, तेने लईने समाचार मेळवीशुं। आ साथे गुजरात में आगामी कई कई तारीख दरमियान अने क्या क्या जिल्ला में वरसाद पड़शे तेने लईने पण आपणे आ वीडियो में माहिती मेळवीशुं। तो वीडियो में आगे वधीए ते पहला तमे अमारी चेनल में नवा छो तो चेनल ने नीचे दर्शावेलू लाल कलर नू सब्सक्राइब बटन दबावी चेनल ने जरूर सब्सक्राइब करी लेजो। तो चलो मित्रों, आज वीडियो शुरू करिए। मित्रों, हवामान विभाग द्वारा गुजरात विविध जिल्ला में सामान्य रीते वरसाद पड़वा आगाही करी है। अंदमान सागर में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन बनवा मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनवा शक्यता है। आ लो प्रेशर एरिया 22 ऑक्टोबरे सवारे पश्चिम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जशे और 23 ऑक्टोबरे सवार सुधी में मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तोफान दाना एक्टिव थशे। आ तोफाननु नाम दाना राखवामां आव्युं छे, एटले के मित्रों दाना नामनुं नवुं वावाझोडुं आवी रह्युं छे। दाना तोफान उत्तर पश्चिम तरफ जता 24 ऑक्टोबरनी सवार सुधी में गुजरातना अलग अलग जिल्लामां वरसाद पड़शे। जयारे देशभरना राज्योनी वात करिए तो ओडिशा पश्चिम बंगालना समुद्रमां पण आ चक्रवात पहोंचवानी शक्यता छे। चक्रवात बनता उत्तरी तमिलनाडु अने दक्षिणी आंध्रप्रदेश समुद्र तटने पण कवर करशे अने त्यां वावाझोडुं टकराय तेवी शक्यता छे। खास करीने मित्रों बात करिए तो आज थी 5 दिवस सुधी गुजरातना अलग अलग जिल्ला में वरसाद पड़वानी शक्यता है। 22, 23, 24 अने 25 ऑक्टोबर दरमियान गुजरात में केटलाक विस्तार में भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे तेवी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, 22 अने 23 ऑक्टोबर थी बंगालना उपसागर में चक्रवात आववानी शक्यता है। 23 ऑक्टोबर थी वातावरण में पलटो आवशे अने दिवाळी आसपास वादळछायुं वातावरण पण रहेशे। दिवाळी बाद राज्य में वहली सवारे ठंडी पड़शे। ज्यारे मित्रों 7 नवेम्बरे पण बंगाळनी खाड़ी में एक चक्रवात बनवानी शक्यता छे। 7 થી 14 નવેમ્બરે गुजरात में मावठू पड़शे तेवी आगाही अंबालाल पटेले करी छे। ज्यारे 7 થી 13 નવેમ્બર में बंगाळना उपसागर में फरी एक वक्त चक्रवात बनशे अने आ चक्रवात वावाझोड़ानुं स्वरूप धारण करशे। 17 થી 20 નવેમ્બર में बंगाळना उपसागर में तीव्र चक्रवात रहेवानी शक्यता छे अने 29 નવેમ્બર થી 3 ડિસેમ્બર સુધી માં ઠંડીનું જોર વધશે। મિત્રો, વાત કરીએ તો જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદી ઝાપટા પડશે। ખેડૂતો માટે પણ માઠા સમાચાર આવ્યા છે। બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ગઈ છે અને 22 થી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન આ સિસ્ટમ ચક્રવાતમાં સર્જાશે। ડિસેમ્બર મહિના દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે તેવી પણ આગાહી હાલમાં અંબાલાલ પટેલે કરી છે। જ્યારે મિત્રો આજથી 30 તારીખ સુધી ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે તેવી આગાહી હાલમાં કરવામાં આવી છે। જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને અમારા રોજના તાજા અગત્યના સાચા અને સચોટ સમાચાર સૌ પ્રથમ મળી શકે।